एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरे करियर का, तनुवेट्स मनु रिटर्न्स, तो वो वायकॉम के ही साथ था फिल्म मेरा, और उसके बाद भी हम लोगों ने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं। क्वीन भी एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है मेरे, ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ मत लीजिए बात करते थे, तो वो भी वायकॉम के ही साथ थी, तो दे हैव आई हैव वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद दैम, और इसीलिए मैं आज यहाँ पे हूँ, बिकॉज आई फील अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड आई एम हियर टू कंग्रेचुलेट देम। वायकॉम 18 ने फिल्म प्रोड्यूस की है वूट के लिए, बैड मैन, उसका हीरो कौन है बोल? बस तो सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं, बधाई टू वायकॉम 18। मैं ये बोलना चाहूँगा कि 5 और साल अच्छे जाएं जैसे ये 5 साल गए हैं, और उन 5 साल के बाद 10 और साल जाएं अच्छी तरह से। मैंने उनके साथ काम भी किया हुआ है, अच्छी एक्सपीरियंस रही है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उनका काम अच्छा जा रहा है। कॉन्ग्रेट्स टू वायकॉम एंड आई एम डूइंग माय नेक्स्ट फिल्म विद देम, सो आई एम पार्ट ऑफ दैट बीइंग द नेक्स्ट 5 इयर्स आई शुड से। 5 इयर्स कंप्लीट हुए तो आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीवन, अजीत अंधारे जी एंड जितने भी सब जुड़े हुए हैं, आई मीन आई मेड माय फर्स्ट फिल्म विद देम, सो ऑब्वियसली एक रिश्ता है, एक नाता है इनके साथ, और आगे भी हम काम करेंगे टुगेदर, तो ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशंस वायकॉम। मैं बहुत ही लकी मानता हूँ अपने आप को, मैं बहुत ही लकी मानता हूँ बिकॉज वायकॉम के यू नो 5 सक्सेसफुल ईयर्स रहे, और उसमें से एक मेरी फिल्म थी, तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ।